हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल वी के ऐप रिव्यू। सो आज की वीडियो में हम एक और गेमिंग ऐप के बारे में रिव्यू करेंगे जिसका नाम है विंग्स ऑफ स्टील। ये बेसिकली एक फाइटर जेट प्लेन गेम है, तो अगर आपको फाइटर जेट जैसी गेम्स पसंद है तो ये आपके लिए वीडियो है। तो बिना देरी कीजिए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है इसका कुछ इंटरफेस जहाँ पर आपको सर्वाइवल मोड और वगैरह सब मिल जाते हैं। तो मैं आपको पहले इसका इंटरफेस के मतलब खेल की दिखा देता हूँ कि कैसे है इसकी गेम। तो ये मेरा एक प्लेन है जो मैं अभी बाय कर रहा हूँ, जो कि मैंने बाय कर लिया है। अब मैं इसको चला के देखूँगा कि किस तरह का ये चल रहा है। और अब जैसे कि देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है जहाँ पर इसको हम चलाएँगे। लेफ़्ट साइड में अगर आप देख सकते हैं तो वो स्पीड को ऊपर नीचे करने का मतलब स्पीड बढ़ाने घटाने का वो है ऑप्शन है। और मैंने इसको ग्रेविटी भी कर रखा है जिससे कि मैं अपने फ़ोन को हिला सकूँ, हिलाऊँगा तो वो ये उसी साइड को जाएगा। आप बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं, सेटिंग्स में अंदर जाकर आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके ग्राफिक्स की बात करूँ तो अच्छे खास ग्राफिक्स हैं, बस मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि जल्दी मुड़ता नहीं है, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पीछे समुद्र है वो भी अच्छा खासा दिख रहा है, आइलैंड्स भी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं और अच्छे खासे ग्राफिक्स इसमें हैं जैसे देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर जाके इसकी स्पीड को बिल्कुल बंद कर दूंगा, ज़ीरो कर दूंगा मतलब के, और देखते हैं फिर क्या होता है। ये फिर भी चलता रहेगा कि रुक जाएगा उससे पता चल जाएगा कि ये गेम कैसी है। ओके चलो चलो और ऊपर चलते हैं थोड़ा। चलिए मैंने स्पीड बिल्कुल बंद कर दी है। ओके, ये मुझे कह रहा है मुझे नीचे कर रहा हूँ और इसने मेरे नीचे की तरफ इशारा कर दिया है। और फिर भी मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट कर सकता हूँ दाएं बाएं, क्योंकि अभी तक मैंने अब स्पीड बिल्कुल खोई नहीं है। चलिए स्पीड को बढ़ा देते हैं और ये बिल्कुल पास से मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा। हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आता है। अगर आप हेडफोन्स लगा के खेलेंगे तो बढ़िया लगेगा, बिना उसके मज़ा नहीं आएगा आपको। वैसे हेडफोन्स लगा के खेलेंगे तो अच्छा है। इसका साउंड की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और इसमें मिशन खेल के दिखा देता हूँ। ये एक मिशन खेल के देख लेते हैं एक बार। ओके, मैं आपको इसका इंटरफेस अभी बता देता हूँ कि कौन सा बटन कैसे काम करता है। तो ये इसका कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है गेम। ओके, तो अब मैं आपको इसके अंदर ये दिखा सकता हूँ जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है उससे जो इसके टायर्स हैं अब अंदर और बाहर हो जाते हैं। तो अगर अब मैं दिखा सकूँ आपको, बस एक सेकेंड। तो इससे जो है आप अपने टायर्स को अंदर और बाहर कर सकते हैं, मतलब कि लैंडिंग के वक्त निकाल सकते हैं और जब ऊपर चले जाएंगे तो हटा सकते हैं। और ये चीज़ है हमारी स्पीड, इससे नीचे करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी और ऊपर करेंगे तो स्पीड इससे बढ़ने लग जाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बेसिकली फायरिंग का ऑप्शन है जिससे आपको कंटिन्यूसली फायर कर सकते हैं। ये रॉकेट का ऑप्शन है और इसमें लिमिटेड रॉकेट्स ही मिलते हैं, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा बहुत सोचिएगा। और ये कैमरा का ऑप्शन है जहाँ पर आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं देखने के लिए। और ये है हमारा मैप जहाँ पे हमें अपना एनिमी और हम कहाँ पे किस पोजीशन पे है वो दिखाई देगा। तो अब मैं इसको गेम को शुरू करता हूँ, पहले मैं ये ऑप्शन हटा दूँ। और ये देखिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, अब मेरे को हल्का सा अपने फ़ोन को लिफ्ट करना है ऊपर को। और ये देखिए अब हम हवा में हैं। ओके, अब वो मुझे उस निशान तक जाना है और बाकी का काम उसके बाद शुरू होगा। तो यहाँ पर ये मैंने क्रॉस कर लिया, तो ये मुझे दिखा रहे मेरे कौन से एनिमी हैं और मुझे किसे डिस्ट्रॉय करना है। तो ये मुझे इशारा कर रहा है मिसाइल्स का इस्तेमाल करने को, पर वो मैं जब क्लोजअप में जाऊँगा तब इस्तेमाल करूँगा। फ़िलहाल के लिए तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा, गन्स वगैरह ही। और दुश्मन ने मुझ पर हमला कर दिया, मैंने एक एनिमी को तो मिसाइल से उड़ा दिया है और दूसरे को भी उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मिस हो गया, कोई बात नहीं।
एक और बार, हो पीछे से वार कर रहा है, कोई नहीं, इसे हम धीरे धीरे देख लेंगे। यहाँ से टर्न लेना होगा मुझे। ओके, एक बड़ा सा टर्न ले लिया। इसकी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, एकदम 3D इफेक्ट लगता है। अब मैं हमला करता हूँ इस पर। डिस्ट्रॉय हो जा। कम ऑन, हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब बस एक ही एनिमी बचा है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप करंट एनिमीज कितने हैं और कितने आपने हटा दिए हैं। तो अभी मेरे सिर्फ एक एनिमी ही बचा है और उसे भी हम गिरा देंगे जल्दी ही, बस कुछ सेकंड्स की देरी है। ओके, लग गया। चलो, वो तो ख़त्म ही हो गया। अब मुझे नई लोकेशन पे जाना होगा, जो कि मुझे मैप में दिखा रहा है कि मुझे किस साइड जाना है। यहाँ पर आप येलो सा डॉट देख सकते हैं, वो मुझे बता रहा है कि कहाँ जाना है, जो कि अच्छी चीज़ है कि आपको पता लगता रहता है, कि गेम गाइड भी करती रहती है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो अभी हम इसे क्रॉस कर लेते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसे क्रॉस करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई और एनिमीज भी आ गए हैं, तो इसे भी डिस्ट्रॉय करना होगा। हेल्थ मेरी थोड़ी ही आधी रह गई है, पर कोई बात नहीं, हम उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ओहो, बच गया, काफ़ी क्लोज मामला था उस चीज़ में, पर फिर भी क्लोज था वो। ओके, यहाँ से थोड़ी मैं स्पीड कम करके जल्दी टर्न लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में जल्दी टर्न लिया नहीं जाता। और कम ऑन, एक तो टर्न लेने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एकदम से टर्न नहीं ले सकता दूसरे गेम्स की तरह, जो कि इसमें एक खामी है। इसे मैं रॉकेट से उड़ाऊंगा। बच गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतनी पास से तो हमला गया था। चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई करते हैं, इस बार शायद लग जाए। ओके, कम ऑन, इस बार नीचे से जाके थोड़ा करता हूँ, बस बिल्कुल ग्राउंड से नहीं लगना है। ओके, एक टारगेट तो ख़त्म हो गया। ओहो, ये मस्त है, नीचे से एकदम 3D इफेक्ट अच्छा आ रहा है। अब कम ऑन, नहीं, अरे यार, मैं ही नीचे टकरा गया। अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीचे टकराना नहीं है, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये था इस गेम का, इस तरह का कुछ रिव्यू। तो इसके अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, तो मैं इसे पाँच में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि इसके ग्राफिक्स वगैरह और साउंड वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। बस इसमें एक ही हमी है, इसमें मूवमेंट करना मुश्किल है, थोड़ा लंबा मूवमेंट करना पड़ता है। बाकी इस चीज़ में कोई ऐप में कोई खामी नहीं है, बाकी इसमें एड्स नहीं है। अगर आप ऑफलाइन खेलते हैं, ऑनलाइन मैंने जिक्र के देखा नहीं है, तो बिना उसके ऑनलाइन के मुझे पता नहीं है कि इसमें एड्स है कि नहीं है। पर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कोई एड्स नहीं है, अच्छे ग्राफिक्स हैं, अच्छी साउंड क्वालिटी है, और इसमें आपको अलग अलग लेवल्स मिल जाते हैं, सर्वाइवल मोड और दूसरे कई लेवल्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, गुड बाय।